हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनिकाज इनोवेशन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्राउन ब्रेड पिज्जा। ब्राउन ब्रेड पिज्जा के साथ साथ मैं बनाने जा रही हूँ घर पर ही पिज्जा सॉस, क्योंकि मैं दो तरह के पिज्जा बनाने वाली हूँ। एक तो मैं बाजार की पिज्जा सॉस और मेयोनीज के साथ बनाऊंगी, और एक मैं घर की सॉस बनाऊंगी, पिज्जा सॉस जो मैं हमेशा बनाती हूँ। तो आज मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको बहुत पसंद आने वाली है और अब आप घर पर यही पिज्जा बना के खाने वाले हैं। तो चलिए हम बहुत ही जल्दी और इजी वे में पिज्जा सॉस बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 6 ब्रेड ले ली हैं, ब्राउन ब्रेड ली हैं मैंने, आप प्लेन ब्रेड भी ले सकते हैं। फिर 6 ब्रेड के हिसाब से मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्याज मैंने कट कर ली थी, बारीक कट कर ली थी। एक शिमला मिर्च मैंने बारीक कट कर लिया है, और फिर मैंने थोड़ी सी बंद गोभी तो को मैंने कद्दूकस कर लिया है, या फिर चॉप भी कर सकते हैं आप चॉपर में। और एक फ्रेश भुट्टे को मैंने कॉर्न निकाल लिए थे और इन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। बिल्कुल फ्रेश कॉर्न है ये दोस्तों, बॉईल करके पानी निचोड़ के रख दिया था मैंने। और मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं जिनका कवर भी उतार दिया था मैंने, और इनके अंदर के बीज वगैरह भी मैंने निकाल दिए थे और इन्हें बिल्कुल बारीक मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर मैंने बाजार वाली मेयोनीज़ भी ली है, क्योंकि मैं ये वाला पिज़्ज़ा भी बनाने वाली हूँ बाजार वाली सॉस का। और ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस ले लिया है, मेयोनीज़ मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है और पिज़्ज़ा सॉस भी 2 चम्मच लिया है। और फिर मैंने लिया है ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, चटनी ली है मैंने वही अपनी देसी वाली चटनी जो हमारे घरों में बनती है, ये मैंने लगभग 3 चम्मच ली है। चिली फ्लेक्स ले लिए हैं मैंने, नमक स्वादानुसार। तो चलिए अब हम अपनी पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 टमाटर की प्यूरी ली है मैंने, एक प्याज मैंने रिंग में कट कर लिया है, 1 टेबल स्पून काश्मीरी मिर्च ली है, 1/2 टेबल स्पून जीरा लिया है, एंड नमक स्वादानुसार। तो पैन को गर्म कर लेते हैं और उसमें 1 चम्मच ऑयल हम ऐड कर देंगे। 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है, जब ये गर्म हो जाए तो इसमें हम जीरा डाल देंगे। दोस्तों ये बहुत इजी बनती है, ये सॉस आसानी से बन जाती है। बिल्कुल जीरा हो गया है हमारा, अब हम इसमें प्याज डालकर और 3 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। जब हल्की हल्की सी प्याज गलने लगेगी तब हम इसमें अपनी टमाटर प्यूरी डाल देंगे। अब इसमें टमाटो प्यूरी डाल देनी है, कश्मीरी मिर्च डाल देनी है और थोड़ा सा नमक डाल देना है, थोड़ा सा। अब इसे चलाते रहिए, जब इसका पानी सूख जाए या ऑयल छोड़ दे, बस हमारी सॉस बनकर तैयार हो जानी है। अब देखिए ये धीरे धीरे बन रही है, ये बन चुकी है हमारी सॉस, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए बिल्कुल फ्रेश सॉस का पिज़्ज़ा बनाएंगे हम, तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा। चलिए अब हम इसमें ब्रेड को ना हल्का सा लगभग 2-3 सेकेंड एक तरफ, 2-3 सेकेंड एक तरफ इस तरह से सेक लेंगे, इससे और भी अच्छा पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है। चलिए अब हम अपनी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। टॉपिंग के लिए हमें प्याज डाल दी है, टमाटर डाल दिए, शिमला मिर्च भी डाल दी है, थोड़ी सी कॉर्न हमें साइड में निकाल कर अलग रख देने हैं, और मैं थोड़ी सी मेयोनीज भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो ना ऐड करें इसमें, मुझे दोनों तरह के बनाने हैं तो मैंने सोचा क्यों ना वो भी डाल दूँ। और हरी चटनी से जो टेस्ट आने वाला है दोस्तों, आहा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है ये। नमक स्वादानुसार डालकर इसे अच्छी तरह मिला लें। अब हम पहले अपनी घर वाली सॉस से बनाने जा रहे हैं जो पहला पिज़्ज़ा है, तो इसे अच्छी तरह सॉस को स्प्रेड कर दें ब्रेड पर, और टॉपिंग भी अच्छी तरह स्प्रेड कर दें। थोड़ा सा ऑयल लगाकर तवे पर, और इसको रख दीजिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, और 2 मिनट बाद आप खोलिए, 2 मिनट के लिए ढककर रखिए। और मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल दिए थे, आप भी डाल लीजिएगा। तो दोस्तों ये पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है, और अब हम बनाने जा रहे हैं बाजार वाली मेयोनीज एंड
बाजार वाले पिज़्ज़ा सॉस का पिज़्ज़ा, तो पहले हमें मेयोनीज़ लगानी है, फिर उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस। मैं थोड़ा कम कम ही लगा रही हूँ दोनों चीज़, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये बाहर की मेयोनीज़ एंड पिज़्ज़ा ना खाती हूँ, ना ही बच्चों को खिलाना पसंद करती हूँ। तो इसे भी सेम प्रोसीज़र से हमें स्प्रेड कर कर इसके ऊपर मैं चीज़ भी डाल रही हूँ, थोड़ी सी वैरायटी हो जाएगी दोस्तों पिज़्ज़ा की। इसे भी सेम प्रोसीजर से हमें रख देना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। चिली फ्लेक्स डाल देने हैं, 2 मिनट के लिए बंद करके रख देना है। दोस्तों अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा नहीं है तो आप लोहे के तवे पर भी इसी प्रोसीजर से बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे दोनों तरह के पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही यम्मी है। और आप भी सेम प्रोसीजर से पिज़्ज़ा ज़रूर बनाइएगा, घर पर बनी फ्रेश सॉस के साथ बनाइएगा, देखिएगा बहुत टेस्टी लगेगा, आप बाज़ार का पिज़्ज़ा भूल जाएंगे दोस्तों। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए नए इनोवेशन आपके फ़ोन पर घंटियां बजाते रहें। तो दोस्तों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए मोनिकाज इनोवेशन के साथ। बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नए इनोवेशन के साथ।